बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम व्यूवर्स? बराए करम चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब फरमा दीजिए। 30 जुलाई 11:25, 30 जुलाई 2024 मंगल वाला दिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके FTC के करीब। ये पीछे सदर का एरिया, इस वक्त 11:25 हो रहे हैं सुबह के, और ये मौसम की कंडीशन आप देख रहे हैं। जो प्रेडिक्शन थी कि आज कराची में बहुत ज़ोरदार मतलब शिद्दत के साथ बारिश हो, काले बादल अल्हम्दुलिल्लाह शहर में फैलते जा रहे हैं। आगे ये FTC बिल्डिंग और शारा फैसल का रोड है। आगे जाके अगर हम दाएं जाएंगे यानी इस तरफ जाएंगे आगे जाके तो दाएं नहीं माजो बाएं तरफ जाएंगे यानी लेफ़्ट साइड पे तो एयरपोर्ट रोड होगा, और आगे जाके अगर हम दाएं जाने के यानी राइट साइड जाएंगे तो ये अवारी टावर की जानब रोड जाएगा। आएँ फिर आगे चल के थोड़ा और इसका व्यू आपको दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मौजूद हूँ नूरानी कबाब, थोड़ा सा शेड में हूँ क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है। नूरानी कबाब तारिक रोड इसके पास मौजूद हूँ, और आसमान आप देखें कितना डार्क हो रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी आज प्रेडिक्शन थी कि आज मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं कह रहे हैं कि शायद 50 से 70 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। खैर अल्लाह तबारकुल्लाह खैर वाफ़ियत वाली बारिश अच्छी फरमाए, आमीन। चलते हैं अब अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ओपन एरिया में फिर बारिश का पानी वगैरह जाए तो डिवाइस के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तवील नहीं होगी। बस आप से इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिए, कुछ और अगर वीडियो में बना सका मौसम के हवाले से तो ज़रूर बनाऊँगा। फिल वक्त तो मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा होता हूँ, प्रेजेंट कंडीशन। प्रेडिक्शंस वगैरह के हवाले से जो मुझे काम करना है वो देखते हैं आप लोग कितना साथ देते हैं, फिर इंशाल्लाह होगा। लेकिन बस इसमें ये है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे कोई ख़ता होने से महफूज फरमाए। बारिश फिल वक्त तो काफ़ी स्लो है, लेकिन वही वाली बात है कि हवा नहीं है अब, अभी बहुत है, तो उम्मीद तो ज़ाहिर की जा रही है कि जो प्रेडिक्शन की गई है वही हो सच। लेकिन इसमें फिर ये होता है कि जिनका अच्छा पक्का मकान है, ऊपर का मकान है यानी बिल्डिंग में फ्लैट है तो वो तो ठीक, लेकिन अगर किसी के लिए अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर है, बाज़ जगहों पे तो ये भी देखा है कि बंगले में भी बाज़ ऐसा होता है कि रोड अगर उससे फ्रंट में रोड नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर उस बंगले वाले के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी का फ्लैट है लेकिन ग्राउंड फ्लोर है तो उसके लिए भी बड़ी मशक्क़त होती है। स्पेशली आजकल जिस तरह ग्राउंड फ्लोर बने हुए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा मेहनत करवाता है फिर उनसे। कितना साइलेंट है वेदर वाइज देखा जाए तो, कि ना गरज है ना चमक है। तो मेरा ख्याल है फिल वक्त के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं भी एक काम से निकला हुआ हूँ और अगर मैं सही तरीके से वक्त पे ना पहुँचा शायद ये तेज़ अगर हो गई तो मेरे लिए भी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। ये देखें मेरे फ्रंट पे कितनी बड़ी डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस कम है, यहाँ की डार्कनेस देखें आप।
धीरे धीरे। अच्छा अभी फिलवक्त ड्रॉप्स भी इतने वो नहीं हैं, बड़े भारी ड्रॉप्स जो होते हैं ताकतवर। अच्छा मॉनसून, वैसे मैंने जो अक्सर नोट किया है कि मॉनसून का असर जो होता है ना वो यही होता है कराची में, जो मैंने देखा है अब तक। मैंने ज़्यादा उसके मुताबिक पढ़ा नहीं, अपना ज़हनी तजिया बता रहा हूँ कि वो अमूमन फैलता है पहले पूरे शहर को, उसके बादल अपने लपेट में लेते हैं और फिर उसके बाद उसके नीचे पहले सफ़ेद बादल आते हैं ऊपर, फिर उसके नीचे आते हैं काले बादल और फिर धीरे धीरे वो बरसना शुरू होते हैं और वो पूरे शहर में बरसते हैं अमूमन। अभी भी लग वैसा ही रहा है, लेकिन मुमकिन है शायद बहुत सारे इलाकों में कुछ ना भी हो रहा हो। चले जी, मेरे ख्याल बारिश अब थोड़ी थोड़ी तेज़ भी होने लग रही है और कुछ अच्छे ड्रॉप्स भी, ताकतवर ड्रॉप्स नोटेड भी आने लग रहे हैं मेरा ख्याल है। और मैंने जिस तरह बताया था कि पिछले दिनों भी मेरी डिवाइस को जिंदा लाश की तरह हो गया था कि जैसे बिल्कुल ही ना बोल रहा था ना सुन रहा था मेरा फ़ोन, तो ऐसा ही दोबारा ना हो जाए, तो इसलिए बस दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला खैर वाफ़ियत सबके को मुकद्दर फरमाए। आपसे इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिलखसूस इस चैनल में जो ये रिलीजियस चैनल है, लेकिन ये तो थोड़ा सा बस कहीं निकले हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही शुगल दे देते हैं, शुगल है भी है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी से भी बात करूँ तो मैं फ़िलहाल आप लोगों से इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल इल्तिजा ये है कि जो दरस कुरान की वीडियोज़ हैं, नात क्लिप्स वगैरह हैं, मनाकिब हैं, तिलावतें हैं, उन्हें ज़रूर समाप्त कीजिए। अब बारिश तेज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब कुछ किलो हुई है तो मैं जहाँ मंजिल पर मुझे जाना है थोड़ा वापस तेज़ हो गई और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बूंदें हैं। जमशेद रोड नंबर 3 की तरफ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दोपहर 12 बजे का टाइम। चलें अब चलते हैं अपनी मंदिर की तरफ ताकि जो काम निपटाना है वो जल्द से जल्द निपटा सकें। अब वक्त हुआ है 1:15 बजे का। आपने पहले मुलाहिज़ा की कितनी तेज़ बारिश हुई थी। अब मैं मौजूद हूँ सदर एम्प्रेस मार्केट। पिछली जो बारिश हुई अभी कुछ देर पहले बड़ी ज़बरदस्त हुई, मुझे साइड पे बाइक रोकनी पड़ी, मेरे साथ कुछ रिक्शे वगैरह चल रहे थे उनको भी रोकनी पड़ी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ और हवा के साथ थी कि जिसमें जो है ना राइड करना ड्राइव करना दुश्वार था। फिर कुछ देर के लिए लगा कि अब शायद चले गए बादल, अब शायद खुल जाएंगे या कुछ और। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद अब धूप निकल आएगी, काले बादल तो बिल्कुल ही छट चुके थे, लेकिन अब दोबारा काले बादल शहर भर में पूरे में फैलते जा रहे हैं। ये पीछे जो है आप देख रहे हैं ये पार्किंग प्लाजा वाला रोड है, आगे टावर वाला रोड, और ये आसमान अब भरता जा रहा है। लगता यही है कि फिर तकरीबन इंशाल्लाह आधे घंटे या एक घंटे के अंदर दोबारा कराची में कुछ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। काफ़ी देर से जो बारिश थमी हुई थी अब हो रहे हैं शाम के 5:10। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये है सामने सिंध मदरसातुल इस्लाम। ये जो बोल्टन मार्केट के करीब जो ट्रैफिक होता है मेन रोड, अब धीरे धीरे बारिश वापस तेज़ होती जा रही है। मैं फिर बारिश को वापस एंजॉय करने का टाइम आ चुका है कराची में।
ज़्यादा तेज होगी तो ज़्यादा जब पानी आ जाएगा, अभी बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है, जब ज़्यादा बारिश होगी, जब ज़्यादा पानी आएगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, और अगर बनाऊँगा कोई शेड अगर मिल गया तो शायद बनाऊँ, और अगर शेड मिल गया और याद ना आ रहा और बारिश में भीगने का दिल हुआ तो शायद ना बनाऊँ। नसीब में हुए तो मैं पकौड़े खाऊँ, नहीं हुए तो नहीं खाऊँ। अल्लाह मालिक बेशक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।